YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबाद तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह सुबहान व तआला में ज़माना देखना नसीब फरमाए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हम पहुँच सकें और ये गुनहगार आके मौला के दीदार से मुनव्वर हो सकें। आज का दिन खुशी का दिन है और 72 नाम है इस ईद के जो अमीरुल मोमिनीन ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ैफ़ा यमानी को बयान फरमाया, जिसमें फरमाया कि ये ईद ग़दीर सानी है, खुश होने का दिन है और सबसे बड़ी ईद करार दिया इसे। लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि अच्छा लिबास पहने, एक दूसरे की खिदमत में तोहफ़ा पेश करें, इत्आम का अहतमाम करें यानि न्याज का अहतमाम, खाना खिलाने का अहतमाम। आज के दिन का एक नाम है यौम नज़ सवाद, यानि स्याह लिबास उतार देने का दिन। इसी खातिर है कि हम 8 रबीउल अव्वल तक अय्याम अज़ा को मनाते हैं और 9 रबीउल अव्वल इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि स्याह लिबास उतार दो, तो हुक्म इमाम ही से स्याह लिबास बदल दिया जाता है। और जब हम ये कहते हैं कि हम अय्याम अज़ा को अलविदा कह रहे हैं तो हरगिज़ का ये मतलब नहीं होता, कोई मोमिन भी एक लम्हे के लिए भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात से जुदा नहीं कर सकता। ये हुसैन को दरख़्त विदा कहना नहीं बल्कि ये हुक्म इमाम से अय्याम अज़ा में सोग बढ़ा देना है, स्याह लिबास बदल देना है और फिर खुशी का लिबास पहन लिया जाए। आज के दिन उमर साद की मौत का दिन भी मनकूल हुआ है। हज़रत मुख्तार ने इंतकाम लिया कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। हुरमला की मौत पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट आई, मुख्तार के लिए दुआ की, लिहाजा ईद शुजा भी कहा जाता है। और दुश्मनान अहले बैत और दुश्मनान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके लिए भी इस तरह से रिवायात में आया है कि उस एतबार से भी एक खुशी का दिन बनता है। लिहाजा तमाम मोमिनीन को चाहिए कि उसको भरपूर तरीके से मनाएं। ईद गदीर ईद विलायत है, ईद ज़हरा ईद बराअत है, दुश्मनान अहले बैत से बराअत के इजहार का दिन है। और जो लानत का तसव्वुर है वो कुरान से हमें मिलता है, तकरीबन 40 मकामात हैं जहाँ अल्लाह ने दुश्मनान दीन और दुश्मनान खुदा पर लानत भेजी है। और सबसे बढ़कर जो लानत के मुस्तहिकीन हैं वो हैं कि जो अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन शक्क फ़ी कुफ्र अअदा इना फहुवा काफिरुन, जो हमारे दुश्मनों के कुफ्र में शक करे वो काफिर है। लिहाजा ज़ियारत जाम कबीरा में भी मिलता है कि मन इत्तबाकुम फलजन्नत मावाहु वमन खालफकुम फन्नारु मथवाहु, जो अहले बैत का इत्तबा करे वो जन्नत उसका मुकद्दर है, जो उनकी मुखालिफत करे जहन्नम का उसका ठिकाना है। वमन जहदकुम काफिरुन वमन हारबकुम मुशरिकुन, जो आपका इनकार करे वो काफिर है, जो आपसे जंग लड़ने आ जाए वो मुशरिक है। तो अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम की खुशी का दिन, तो कई मुनासिबतें आज के दिन जमा हो जाती हैं। एक ये कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत का बाकायदा आगाज़ है, उसके लिए भी बाज़ मोमिनीन खुशी का यूँ इजहार करते हैं। जबकि असल मुनासिबत जो मैंने अर्ज़ किया वो वही है कि उमर साद की मौत का दिन और कुछ दुश्मनान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनके फिन्नार होने का दिन। तो इस फ़कीर ने 4 मिसरे कहे थे जिसमें सारी मुनासिबतें ईद ज़हरा की जमा हो जाती हैं। है जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत ईसा उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, तो जब उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो इमाम आगे होते हैं, मामूम पीछे होते हैं, तो हज़रत ईसा का सर वहाँ होगा जहाँ हज़रत मेहदी के कदम होंगे। तो है जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए और फ़ातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए, इसलिए कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़े, हम हुज्जत हैं अल्लाह की मखलूकात पर, व जद्दतुना फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जतुल्लाह अलैना, हम मखलूकात पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा सैयदा कौनैन हम पर हुज्जत हैं, आयमा अलैहिस्सलाम पर हुज्जत हैं, खुद उनकी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो हमने इसे इस तरह से बयान किया था कि है जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए और फ़ातिमा हुज्जत हैं खुद सरकार हुज्जत के लिए, बज़्म ख़त्मी मरतबत में हर तरह के लोग थे, कुछ थे इज़्ज़त के लिए तो कुछ थे लानत के लिए। अल्लाह सुबहान व तआला इंशाअल्लाह हमें विलायत अहले बैत अत्थार और बरात अदाए अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ीद नसीब फरमाए और हमारे अकीदों को मज़बूत फरमाए। और